नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम टू द पॉइंट बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के स्टॉक के बारे में। हालांकि टॉपिक ओपनली लिखा हुआ है तो उस पर ऐसा कंपनी का नाम में सीधा सा बताएंगे, इरेडा की हम बात करेंगे, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की। हाल फिलहाल की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये स्टॉक कुछ ही समय पहले इसका आईपीओ आया था और आईपीओ आने के बाद में जो ये कंपनी लिस्ट हुई है उसमें भी आई थिंक 29th of November 2023 को कंपनी लिस्ट हुई। और लिस्टिंग में जब आई है तो उस समय इसका प्राइस 54 रुपीज़ के आसपास ये इसका प्राइस खुला था, यानी कि जब ट्रेड स्टार्ट हुआ तो 54 रुपये से इसका ट्रेड स्टार्ट हुआ है। और इस स्टॉक ने रातों रात, और अगर आप देखेंगे कि इसका टू द पॉइंट हम बात करेंगे कि जैसे 15 आज तारीख है 13 दिसंबर 2023 को ये वीडियो बन रहा है और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का जो ये स्टॉक है ये लिस्ट हुआ था 29th of November 2023 को। और तो तब से ऐसा देखें तो पूरे 15 दिन भी इस स्टॉक को देखा जाए तो नहीं हुए हैं। 15 दिन के अंदर इस स्टॉक ने धमाल मचाया है और जिस हिसाब से धमाल मचाया है तो आज तक का अगर आप देखेंगे तो इसने थोड़ा नहीं बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, यानी कि 124% के रिटर्न बनाकर सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर इस स्टॉक ने दिए हैं। ऐसा क्यों और ऐसा कैसे हो रहा है ये तो बड़ा मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने वाला हूं। बात करते हैं शुरू से, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें जिससे समय से आपको वीडियो मिलती रहे। आपकी ही बताई हुई वीडियो पे काम हम लोग करते हैं और उसी तरह की वीडियो बनाने की कोशिश रहती है। हालांकि मैंने भी इसके स्टॉक में जो ये इसका जब आईपीओ आया था इरेडा का तो उस पर भी एक वीडियो बनाई थी और साथ में खुद भी मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने खुद इसका जो स्टॉक बाइंग किया था और वो बाइंग किया मैंने 62 रुपीज़ पर। कुछ दिन जब लिस्ट हुई तो उसके सेकेंड या थर्ड डे मैंने इसको 62 रुपीज़ पर बाइंग की थी, शायद 30th नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस दिन मैंने इसको 62 रुपीज़ समथिंग पैसे पर मैंने इस स्टॉक को बाय किया था। तब से ही आज तक अब आप देखेंगे तो ये 112 रुपये पर ट्रेड कर रहा है डेली इसमें। और आज तो ऐसा हुआ कि इसमें अपर सर्किट लगा है, उसके बाद से इसमें आपको शेयर ही बाइंग करने के लिए अवेलेबल नहीं थे। अगर आप चाहते भी थे खरीदना तो 112 रुपये के बाद में अपर सर्किट लगा तो उसके बाद में कोई इसमें ट्रेड नहीं हो पाया। हालांकि पहले भी मैंने इस वीडियो में इसका जो आईपीओ का वीडियो बनाया था उसमें भी आप लोगों को बताया था कि दो आईपीओ समय आए थे, मतलब आईपीओ तो 5 आए थे और ज़्यादा जो चर्चा थी वो टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बहुत अच्छी चर्चा हुई थी और टाटा टेक्नोलॉजी ने उतना प्रॉफिट बनाकर भी दिया था। और दूसरा ये इरेडा का आईपीओ था। अब मुझे ये इरेडा का आईपीओ पहले से ही पसंद था, उसका बेसिक रीज़न था, एक तो ये सरकारी कंपनी का आईपीओ है, दूसरा ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर ऑफरिंग हुई थी, यानी कि 30-35 रुपये की रेंज में ये आईपीओ इसका लॉन्च हुआ था तो एक बहुत ही जेन्युइन प्राइस पर ये मुझे देखने को मिला था। तो मैंने इसमें उस समय भी बाइंग का पूरा अमाउंट बनाया था, हालांकि अलॉटमेंट उस समय आईपीओ में हुआ नहीं था तो अलॉटमेंट आया नहीं। इसके बाद मैंने इसके स्टॉक बाय किए 62 रुपीज़ समथिंग पैसे में और आज जो है ये 112 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो कैसा इसका फ्यूचर रहेगा आगे आने वाले समय में, आप इसमें कैसा प्लान कर सकते हैं और क्यों इसमें इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है और ये तेज़ी कब तक बनी रहेगी और किस तरीके से इसमें प्रॉफिट्स बनेंगे, तो उन्हीं सब बातों पर हम आगे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। आज की अगर लो की बात करें तो 98 रुपीज़ 90 पैसे इसका आज का लो रहा है और हाई की बात करें तो 112 रुपये रही है। ओपन हालांकि 104 रुपये 60 पैसे पर हुआ था और इसमें वॉल्यूम की जहाँ तक बात है वॉल्यूम बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है। जहाँ तक कंपनी के फंडामेंटल की बात है तो फंडामेंटल मार्केट कैप इसका बहुत बड़ा है, 27,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। कंपनी नो डाउट अच्छी है, आर ओ जो रेशियो है इसका 11.56% का है। और जहां तक बात है डिविडेंड की तो ये अभी न्यूली लिस्टेड है तो डिविडेंड ऑफरिंग के भी चांसेस इसमें आने वाले समय में बन सकते हैं। एक और अच्छी बात मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इस स्टॉक पर बिल्कुल नज़र बनाए रखें और आप जहां भी इसमें ट्रेड करते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेड करते हैं वहां पर अपनी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें। अगर आप बाय नहीं कर पाते हैं या बाय करने का प्लान करते हैं तो इसको वेटिंग लिस्ट में जरूर रखें और इस पर नज़रें बनाए रखें। उसका कारण है, एक तो यह है कि इसमें ग्रोथ तो होती हुई आपको देखने को मिलेगी ही, साथ के साथ इसमें आने वाले समय में आपको डिविडेंड के चांसेस मिलते हैं। गवर्नमेंट कंपनी है, आपको डिविडेंड जरूर मिलने वाला है कुछ ना कुछ अच्छा। जब भी आगे ये ग्रो करेगी तो आपको क्वार्टरली बेस या जैसे भी है अच्छे डिविडेंड मिलने का एक अच्छा मौका इस कंपनी के स्टॉक के साथ में आपको बनेगा। दूसरा,
एक और रीजन बताते हैं इस स्टॉक में आपकी नजरें क्यों गड़ी रहनी चाहिए, उसका बेसिक रीजन है, जैसा आप जानते हैं सरकारी कंपनियां होती हैं जब वो काम करती हैं और अच्छा काम करती हैं अच्छे पोजीशन पे या उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो अच्छे होते हैं तो कंपनी धीरे धीरे आगे ग्रो करती है और उनको कुछ अचीवमेंट्स के तौर पर जैसे सरकारी तौर में आप देखते होंगे मिनी रत्ना का अवार्ड मिलता है, नवरत्न कंपनी का अवार्ड मिलता है, तो ऐसे भी चांसेस इस स्टॉक में यानी कि इरेडा को बनते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी ही कम समय के अंदर ये कंपनी भी नवरत्न कंपनी में शामिल हो सकती है, इट मीन्स कि ये स्टॉक यहाँ नहीं रुकने वाला है। अब बात आएगी बाइंग की, तो बाइंग में आप कहेंगे जी अभी तो 112 पर ये ट्रेड कर रहा है उसमें भी बाइंग अवेलेबल नहीं है, तो आप इस पर नजरें बनाए रखिए। जब जब ऐसा होता है तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ये हर दिन ये ग्रो करेगा, कभी कभी डिप भी आना लाजमी होती है क्योंकि लोग प्रॉफिट भी बुक करेंगे। अभी 112 है तो 112 में कल आप देखेंगे लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस दौरान आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और ये स्टॉक की शुरुआत है, अभी मात्र 15 दिन के आसपास ही स्टॉक हुए हैं, तो इसमें दो तीन रीजन मैंने आपको बता दिया। एक तो डिविडेंड के चांसेस हमेशा रहेंगे लॉन्ग टर्म में अगर आप प्लान करेंगे तो, और साथ के साथ कंपनी का स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि इसको कंपनी को ग्रेड भी बढ़ने के चांसेस हैं, जैसे कि मिनी रत्न या ये जो बड़ी कंपनी को मिलता है नवरत्न कंपनी जो सरकारी सेक्टर की होती हैं, तो उसको इसको इस तरह का तमगा भी मिलने के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक बहुत तेजी में और बहुत अच्छे प्राइस पर आगे देखने को मिलेगा। अगर वन ईयर का आप प्लान करेंगे तो बहुत अच्छे प्राइस टारगेट इस स्टॉक के बनते हुए नजर आते हैं। अब आगे की बात करते हैं कंपनी इरेडा का, इस समय जो हुआ है ये आपने देखा, पहले से भी इस पर काफ़ी मैंने फोर्स डाला भी था कि इस स्टॉक पर हमेशा आप अपनी नज़र रखें, इरेडा के आईपीओ के टाइम से ही हम बोल रहे हैं, जिससे आपको ये एकदम से प्रॉफिट बनाने का भी मौका मिलता है। शॉर्ट टर्म में इसने कंपनी ने करीब 120% से भी ज़्यादा के प्रॉफिट आप देख ही रहे हैं, 124% के प्रॉफिट इस कंपनी ने बनाकर दिए हैं मात्र 15 दिन में। अब लिस्ट तो हो गई है और कंपनी के शेयर में तबाही मचाई हुई है, बहुत अच्छा तगड़ा रिटर्न भी कंपनी बना के दे रही है फ्राइडे और सोमवार की ट्रेडिंग के बाद में। आप देख रहे होंगे कि मंगलवार को भी इसके स्टॉक में कल भी तेजी थी और आज बुध है तो बुधवार को भी लगातार तेजी हो रही है, और 20% से ऊपर का अपर सर्किट इसको लगा था मंडे को ही लग गया था, और मंडे के बाद ट्यूजडे को भी लगातार इसमें स्टॉक में तेजी रही थी और दोनों दिनों से आज भी इसमें अपर सर्किट लगा है और अब ये 112 रुपये प्रति शेयर पर पहुंचने में कामयाब रहा है। लिस्टिंग के करीब 15 दिन के अंदर करीब करीब 3 गुना से भी ज़्यादा तेजी इस स्टॉक में आई है। सीधा अब प्राइस और अगर देखेंगे सब्सक्राइब बेस का अगर बात करेंगे तो ये इरेडा जो एक तरह से आप देखें तो LIC इससे पहले लिस्ट हुआ था, तो LIC जब लिस्ट हुआ था तो LIC में तो इतना प्रॉफिट नहीं लोगों का बना था, तो LIC के बाद में ये इरेडा जो है पहली PSU कंपनी है जिसने भारतीय शेयर बाजार में एंट्री करते ही करीब करीब 40% इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो 40 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था ये स्टॉक इसका IPO, और एक दशक में सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन वाली ये मतलब अगर आप सरकारी सेक्टर की कंपनी PSU की बात करेंगे तो 7th नंबर पर इसने स्कोर बनाया है, यानी कि 7th नंबर पर ये एक तरह से दिखाई देती है। और इसका जो फ्यूचर की हम बात करें तो कंपनी ने हाल ही में एक कंपनी ने जो फ्यूचर इसका जिस चीज़ से बनता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कंपनी ने हाल ही में रिटेल डिविडेंड लॉन्च किया है और इस डिविजन के जरिए कंपनी PM कुसुम योजना, एक कोई योजना नहीं आ रही है गवर्नमेंट की तो PM कुसुम योजना, तो उसमें ये लोग रिटेल में भी जा रहे हैं, यानी कि B2C सेक्टर पे भी ये कंपनी फोकस कर रही है, जिसके चलते उस योजना में रूफटॉप जो सोलर होते हैं और दूसरे और भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं लाइटिंग सिस्टम्स के, तो उनके लिए लोन मुहैया कराने की ये प्लानिंग कर रही है और उसमें इन्होंने ये डिवीजन लॉन्च कर दिया है। इससे पहले ये कंपनी सिर्फ B2B सेगमेंट पर ही काम करती थी, यानी कि बड़े इंडस्ट्रियल जो ग्रुप होते हैं उनके साथ ही काम करती थी, बट अब इंडिविजुअल्स के साथ भी ये योजना ये जो है लोन इस तरह का प्रोवाइड करने वाले हैं और इन्होंने ये डिवीजन भी लॉन्च कर दिया है, जिससे इनका मार्केट बढ़ेगा और मार्केट के साथ साथ इनकी इनकम भी बढ़ेगी, कंपनी की इनकम बढ़ेगी, और जिसके चलते कंपनी का फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट होता हुआ दिख रहा है। और अभी ये शुरुआत है, बहुत सारे पॉइंट जैसे मैंने बताए हैं जिसके चलते इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनता है। और अगर मैं कंपनी की बात करें तो कंपनी जो का मैनेजमेंट है तो वो बेसिकली जो भी डोमेस्टिक पेंशन होती है, डोमेस्टिक पेंशन यानी घरेलू जो पेंशनें मिला करती हैं जो सरकारी तौर पर, यानी कि जैसे वृद्धावस्था पेंशन आती है तो उस तरह की पेंशन को घरेलू पेंशन करते हैं, जो सरकार अपनी तरफ से पेंशन देती है, जैसे बेरोजगार का शायद कोई भत्ता मिलता है या
वृद्धा विधवा पेंशन मिलती है, तो इस तरह की जो घरेलू पेंशन होती हैं और एक इंश्योरेंस का जो सेक्टर होता है, इंश्योरेंस का जो फंड है उसको मिला करके भी ये कंपनी कुछ ऐसा प्लान में है, और इन्होंने एक उस पर भी ये वर्क कर रहे हैं जिसके चलते रिन्यूएबल एनर्जी बॉन्ड्स के रूप में उस चीज़ को एलोकेट करने का प्लान भी ये कंपनी कर रही है, जिससे कंपनी भारत के अंदर एनर्जी ट्रांजिशन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस पर भी जोर दे रही है। साथ के साथ ये जो घरेलू इंश्योरेंस है और इन घरेलू इंश्योरेंस के साथ साथ घरेलू पेंशन है, इसको मर्ज करके कुछ ये बड़े लेवल पर इंश्योरेंस के लिए भी कोई योजना भी काम करने वाली है कंपनी, जिसके चलते इसके स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिलेगी। तो ऐसा मान के चलते हैं कि अगर पहला क्वार्टर जो इसका रिजल्ट का आएगा तो वो रिजल्ट देखने को मिलेगा करीब मार्च के बाद। तो मार्च का पहला क्वार्टर में अगर आप इसके रिजल्ट्स में देखेंगे तो आने वाले 2024 मार्च की जो क्लोजिंग होगी तो अप्रैल में ये कंपनी आपको 500 रुपीज प्लस में देखने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। और भी अच्छे टॉपिक्स पर कुछ वीडियो जल्दी ही आएंगे। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।